हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो एक नई ट्रिप की शुरुआत हो गई है, नई ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले बहुत सारा सामान लगने वाला जो हम लोग लेके जाने वाले हैं उस ट्रिप पे। ट्रिप कौन सी है, कहाँ है, आपको पता लग जाएगी। तो पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सारा सामान लेके जा रहा हूँ पहले मैं। चलो पहले आपको मैं सामान दिखाता हूँ। तो सामान बहुत सारा है। ये 3 जीन्स जो अपन पहनेंगे, जो अपन गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपनी जो कुल जर्नी वो होने वाली है 10 से लेकर 12 दिन की। तो 1 या 2 या 3 जीन्स अपन ये पहनने वाले हैं पूरी जर्नी में। बाकी इसके अलावा अपने पास ये 2 रही टी शर्ट, 1 लोवर, और इसके अलावा अपने पास ये 2 रहेंगे अपने पास फुल स्लीव टी शर्ट्स। और फिर आपके 3 जीन्स हो गए, अपन जा रुकेंगे तो अपन उस शहर में पहनेंगे जीन्स ये वाले। बाकी एक अपना रहा कुर्ता, और अपनी ये 3 शर्ट हो गई हैं। अब उसके अलावा मेन चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये रहा अपना मॉइस्चराइज़र, ये रहा अपना प्रोबायोटिक, ये रही मल्टी वाइटामिन, और ये रहा अपना सनस्क्रीन। तो इतना कुछ सामान लगता है जब आप कहीं बाहर लॉन्ग टूर पे जाते हो तो। अब इसके अलावा बहुत सारे बैग जाने वाले हैं। जैसे लद्दाख में करा था ना अपन ने कि अपने पास 4 बैग थे, तो वैसे 4 बैग लगाने वाले हैं, पूरा सामान आएगा अभी इसमें अपन को शूज भी रखना है, तो बहुत सारा सामान है। बाकी आपसे अब सीधे कल सुबह मिलते हैं, क्योंकि कल सुबह जाके बहुत सारी चीज़ें अपन खरीदनी है। जैसे जब मैं लद्दाख गया था ना, जब मैं लद्दाख से लौट के आया था, तो उस टाइम पे जो अपने सैडल बैग थे उनका जो रेन लाइनर था, वो एक का रेन लाइनर फट गया था। तो अपन को दोनों बैग के लिए खरीदने पड़ेंगे रेन लाइनर। उसके अलावा गाड़ी की PUC होनी है, गाड़ी का पोल्यूशन होना है, तो वो सारा काम करा के पूरा सामान गाड़ी में बांध के तैयार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे सीधे सुबह सुबह निकल सके हम लोग 5 बजे। क्योंकि जो पहला स्टॉप है वो हम लोगों का पड़ने वाला है घर से कुछ 660 किलोमीटर। तो कुछ जर्नी तो लंबी हो गई है, पर फर्स्ट स्टॉप हम लोग का इतना लंबा होने वाला है, तो ट्राई करेंगे कि एक दिन में उतना दूर लगा दें। तो सीधे मिलते हैं आपसे अब कल सुबह। तो बस टाइम हो रहा है सुबह का 8:30। गाड़ी ये खड़ी है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। सिर्फ गाड़ी में एक ही चीज़ करवाने की बची हुई है, जो कि है चेन ल्यूब। क्योंकि इतना पानी गिरा है ना कि पूरी चेन सूख गई है, पूरा ल्यूब निकल गया उसका। अब यदि ऐसे ही पानी गिरता रहा तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अभी सुबह अपन चलते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ सामान लेके आना गाड़ी के लिए अभी। बाकी सेटअप पूरा फिर से सेम रहने वाला है। एक बैग इधर आएगा, एक बैग इधर आएगा, एक बैग इधर आएगा, 3। बाकी चौथा बैग आने वाला है यहाँ पे, टैंक बैग। इसके अलावा वेदांत की गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, जो खड़ी है ये खड़ी है GT 650। तो यहाँ पीछे एक बैग बांधने वाले हैं, इतने में हम लोगों को हो जाएगा। बाकी यदि जैसा पानी ये दिख रहा है ना आपको, यदि ऐसा पानी गिरता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि पानी बहुत ज़्यादा तेज हुआ तो समस्या आ सकती है। बाकी इस गाड़ी का व्हील कवर जो अपना गिरा था तो वो आज तक नहीं मिला है। थोड़ी सी समस्या गाड़ी में ये है कि जो हमारे गाड़ी के मैकेनिक, उन्होंने बोला है कि जो गाड़ी की क्लच प्लेट है, शायद वहाँ हल्का फुल्का कोई ना कोई काम निकल आया है। पर उन्होंने ये भी बोला है कि अपनी राइड करके आप आ जाओ, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल मेंटेन है, नई है, तो कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी। तो अब समझते हैं क्या करना है। तो टोटल जर्नी कुछ होने वाली है 2800 किलोमीटर की। तो होप करते हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही से होएं और गाड़ी कोई भी दिक्कत ना करे, क्योंकि बहुत लंबा जाना है और बारिश का मौसम है, देखते हैं। तो गाइस ये बनता हुआ यहाँ पे गाड़ी का पोल्यूशन। बाकी ये रहे भैया, इनने बना दिया हमारे गाड़ी का PUC। अब सीधे गाड़ी जो अपनी रेडी हो चुकी है। बाकी ये बन गया है पोल्यूशन। आठ सौ और बढ़ेगा है, ज्यादा आ गया। और कितना आया? 935। ये रही कुछ गाड़ी, प्रॉपर लोड टैंक बैग के साथ, सिर्फ गाड़ी की चेन ली वो ना बची है, सीधे घर निकल रहा है। तैयारी वगैरह पूरी हो चुकी है, घर लौट के आ चुके हैं। रात का 12 बज गया है, सुबह उठना है 4:30। थोड़ा सा लेट हो गया है, तो सीरियस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी इसके बाद जो आपको ब्लॉग देखने मिलेंगे, सीधे मिलेंगे आपको मानसून ट्रिप के ब्लॉग। तो सीधे मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग पे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं मॉनसून ट्रिप के, कहाँ कहाँ जा रहा है आपको पता लग जाएगा। सीधे मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ध्यान रखें।